हेलो माय हेल्दी फूडी फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक एंड हेल्दी बाइट्स मैं हूं भावना और आज के इस वीडियो से मैं शुरू कर रही हूं एक नई टिफिन सीरीज जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंटरेस्टिंग एंड हेल्दी लंच बॉक्स आइडियाज वेल आफ्टर अ लॉन्ग समर ब्रेक किड्स आर बैक टू स्कूल एंड वी आर बैक टू द थिंकिंग प्रोसेस की आज टिफिन में क्या डाले वन रूल दैट आई फॉलो विद माई किड इज दैट आई आस्क वेल इन एडवांस की उसे टिफिन में क्या लेके जाना है इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है और क्योंकि उसके मनपसंद चीज होती है टिफिन में तो लंच बॉक्स पूरा फिनिश होकर आता है हाँ मैं ये कोशिश जरूर करती हूँ कि जो भी वो मुझे बताए उसको मैं एक इंटरेस्टिंग वे में सर्व करूँ ताकि वो उसके लिए एक्साइटिंग भी हो और उसे खाने में मजा भी आए तो मैं रात में ही उससे डिस्कस कर लेती हूँ कि वो सुबह क्या लेके जाना चाहता है टिफिन में तो ले जाओगे टिफिन में आलू पराठा और ओके। okay. तो आज मैं उसको डाल रही हूँ मूंग दाल के अपे और आलू पराठा बाइट्स जी हाँ आलू पराठा भी डाल सकते हैं बट स्कूल में टाइम होता है कम और बच्चों की बातें और मस्तियाँ होती नहीं खत्म तो इस तरह से पराठा बाइट्स डालने से फूड इंटरेस्टिंग होगा और उन्हें खाने में कम टाइम लगेगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे ये रेसिपीज़ विद इन फोर्टी मिनट्स तो मैंने रात में ही अराउंड वन कप येलो एंड ग्रीन छिलका मूंग दाल मिक्स करके अच्छे से धो के भिगो दिया था आप चाहें तो यहाँ येलो मूंग दाल या ग्रीन मूंग दाल का भी यूज़ कर सकते हैं तो अब इस मूंग दाल का पानी निकाल के हम इसे एक मिक्सी जार में डाल ले रहे हैं अच्छा ये सब करने से पहले मैंने पराठा के लिए आटा लगा दिया था और पटेटोज़ बॉईल करने रख दिए थे अब इसमें मैंने डाला है जीरा हरी मिर्च जिसको मैं दो टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ और अदरक अदरक को मैं पील करके यूज़ करना पसंद करती हूँ तो पहले मैं इसका छिलका निकाल ले रही हूँ और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इस मिक्सी जार में डालूंगी ताकि हमारी ग्राइंडिंग थोड़ी स्मूद और ईजी हो जाए अब मिक्सी जार को बंद करके हम इसका बैटर बना लेंगे इसमें मैंने पानी का यूज़ नहीं किया था बहुत ज़्यादा जो दाल में पानी था उसी से ये बैटर बन के रेडी है बट ये मिक्सी जार को क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे जार को क्लीन करके इस बैटर में ऐड कर दे रही हूँ बहुत ही थोड़ा पानी डाला है मैंने इसमें ताकि बहुत रनी कंसिस्टेंसी नहीं हो हमारे बैटर की अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक लाल मिर्च हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे साइड रख देंगे बीच बीच में किचन की सफ़ाई बहुत ज़रूरी है मुझे किचन साफ़ पसंद है तो मैं जब भी किचन यूज़ करती हूँ आई मेक श्योर कि मैं साथ ही साथ इसे क्लीन भी करते जा रही हूँ तो अब यहाँ पे मैं एक अनियन पील कर ले रही हूँ और इसे हम फाइनली चॉप करके रखेंगे उसके पहले मैंने इसको पाँच मिनट के लिए पानी में डाल के रखा था ताकि आँखों में लगे ना और इसका तीखापन कम हो जाए साथ ही में हम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी चॉप करेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा चॉप कर रही हूँ ताकि जो पटेटो का मिक्सचर हम बनाएंगे उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकें तो बिल्कुल फ़ाइनली चॉप कर लेना है हमें वेजीज को आप चाहें तो इसमें अपने चॉइस का कोई और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो बट जस्ट मेक श्योर कि आप उसे फ़ाइनली चॉप करें और या फिर आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं जो भी आप वेजिटेबल्स यूज़ करें आप उसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं अब इस अनियन को मैंने इस बैटर में डाल दिया है और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ कुरियंडर लीव्स जिसको मैंने पानी में डाल के रखा था ताकि ये और अच्छे से साफ़ हो जाए अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और एक बार इसे फिर से साइड में रख देंगे अब जब तक मैं अपने बेटे को उठा के आई और ये बैटर रेडी किया तब तक पटेटोज़ भी बॉयल हो चुके थे और ठंडे हो चुके थे तो उसे पील करके मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहें तो पटेटोज़ मैश कर सकते हैं बट इस तरह से ग्रेट करके यूज़ करने से बहुत ही इवन टेक्सचर रहता है और आपको वो मोटे मोटे पीसेज भी नहीं मिलते हैं पराठा बनाने टाइम साथ ही में मैं इसके ग्रेट कर रही हूँ थोड़ा सा अदरक और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ वही हमारे बेसिक मसाले और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाले जो हैं नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा पाउडर काला नमक और अमचूर पाउडर जी हाँ अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा उससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अगर आपके बच्चों को मिर्च चलती है तो आप इसमें हरी मिर्च को भी बहुत फ़ाइनली चॉप करके डाल सकते हैं बहुत लोग इसमें अनियन भी ऐड करते हैं बट मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज़ अनियन थोड़ा पानी छोड़ता है तो जो पटेटो का मिक्सचर है वो बहुत अच्छा नहीं बनता थोड़ा वाटरी हो जाता है इसी में मैंने कुरान्डा लीव्स को स्ट्रेन करके रखा था तो वो भी ऐड कर लिया और अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया है बस ये सब तैयारी करने के बाद मैंने गैस ऑन किया एक तरफ़ अप्पे स्टैंड लगाए और दूसरी तरफ तवा गरम करने रख दिया जो मूंग दाल का बैटर था उसमें हाफ़ टी स्पून इनो पाउडर ऐड किया और अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया अप्पे स्टैंड में थोड़ा सा घी डाल के उसे अच्छे से ग्रीस किया और अपे को अपे स्टैंड को अच्छे से गर्म होने दिया साथ ही में मैंने थोड़ा सा तवा पे भी ग्रीजिंग कर दी विद घी और फिर इसमें ऐड किया मूंग दाल का बैटर जी हाँ यहाँ पे मैं राई डालना भूल गई थी तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े राई उससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तो आप राई तिल ऐसे आ, मसालों का ज़रूर यूज़ करें इसमें और एक अच्छी टेम्परिंग भी मिलेगी तो राई जब क्रैकल कर जाए तब हम इसमें मूँग दाल का जो बैटर हमने रेडी किया है उसे अराउंड वन टी हर कैविटी में ऐड कर देंगे फ्लेम को लो पे रखा है और सारी कैविटी भरने पे इन अपों को ढक दिया ताकि वो आराम से कुक हो जाए इधर तवा भी गर्म हो गया है तो पराठे बना लेते हैं पराठे के लिए डो बनाने के लिए मैंने लिया अराउंड वन टेबलस्पून व्हीट फ्लॉर वन टीस्पून बेसन सॉल्ट अजवाइन और घी अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया अब थोड़ा डो लिया है और उसे बेल ले रहे हैं एक चपाती की तरह थोड़ा पतला ही हमें इसे बेलना है और फिर इसमें हम स्प्रेड करेंगे जो पटेटो का मिक्सर हमने बनाया था उसे अच्छे से चारों तरफ इसे आ, स्प्रेड कर लें जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे इसे हमें रोल कर लेना है कुछ इस तरह से और अब एक नाइफ लेके इसके छोटे पीसेस काट लेंगे तो अराउंड वन इंच थिक मैंने इसे कट कर लिया है अब इसे इस तरह से लेके थोड़ा सूखा आटा लगा के हम हाथ से दबा के फ्लैटन कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हम हमें सारे पीसेस को इसी तरह से फ्लैटन कर लेना है अब इन सारे पीसेस को ऐसे ही शेप करके हमें गरम तवा पे डाल देना है इसमें स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तिल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से और फिर इसे दोनों तरफ अच्छे से अलट पलट करके सेक लेना है इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम में रखना है और इतनी देर में हमारे अपे भी रेडी हो गए होंगे तो उनको भी थोड़ा अटेंशन दे देते हैं बस फिर इसे फ्लिप करना है अपे को फ्लिप करके दूसरे साइड से कुक होने के लिए रख देना है अब इस टाइम हम इसे कवर नहीं करेंगे इधर पराठे बाइट्स जो हमने बनाए हैं उसको भी बीच बीच में अटेंशन देते रहिए ताकि वो भी अच्छे से सीख जाए और बुरा ना माने इतनी देर में मैंने कुछ नट्स एंड फ्रूट्स छील के रेडी कर लिए और बस हमारा मज़ेदार लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी है थोड़े से होममेड स्नैक्स जो मेरी मम्मी ने बनाए थे वो मैंने शाम को बस में खाने के लिए डाल दिया और फ्रूट्स में लीची डाला जो कि ये शॉर्ट ब्रेक में इन्जॉय कर सकता है अपे इसके ब्रेकफास्ट के लिए और इसे ब्लूबेरी योगर्ट बहुत पसंद है तो पराठे बाइट्स के साथ ये ब्लूबेरी योगर्ट योगट इन्जॉय कर सकता है तो इसी तरह से की मैंने इसके आज के स्कूल की टिफ़िन की तैयारी आई होप इसे खाने में भी इतना ही मज़ा आए जितना मुझे इसे बनाने में आया है आज तो आलू तो मुझे तो अपने बच्चे के चेहरे पे खुशी और एक्साइटमेंट देख के बहुत सुकून मिलता है आई एम श्योर सभी मम्मियों का यही हाल है तो शेयर करिए मेरे साथ कि आप अपने बच्चे के टिफिन में क्या डालना पसंद करते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक तब तक के लिए स्टे सेफ ईट हेल्दी एंड एंजॉय कुकिंग अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो इफ यू लाइक इट थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड